हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुटिया स्टडीज़। तो आज मैं क्लास 10 ट्रायंगल चैप्टर के क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें हमसे क्या कहता है, इफ़ अ लाइन इंटरसेप्ट साइड ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू बी सी, प्रूव डैट ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। तो हमें पहले गिवन क्या दे रखा है, हमें गिवन दे रखा है यहाँ पे, गिवन हमें क्या दे रखा है, जो हमारा डी ई पैरेलल बी सी हमें दे रखा है, ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी एट डी एंड ई। अच्छा, डी ई पे ए बी और ए सी को ये इंटरसेक्ट करते हैं, एंड हमें कह रखा है जो बी सी के पैरेलल हैं, कहने का मतलब डी ई पैरेलल बी सी, ये हमें गिवन दे रखा है, हमें ये प्रूव करना है। तो हम लोग किस प्रकार से करेंगे, अगर हमें ये दे रखा है डी ई पैरेलल बी सी, तो हमने क्या पढ़ाया है थेल्स थ्योरम में, कि अगर हमें डी ई पैरेलल बी सी हो किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी एक साइड्स के पैरेलल एक लाइन हो और जो दो साइड्स को किसी रेशियो में डिवाइड करे, वो इक्वल होते हैं, कहने का मतलब ए डी अपॉन डी बी इक्वल होंगे ए ई अपॉन ई सी के, ये हमें एक तरह से गिवन है, ये हमें प्रूव करना है, सॉरी ये हमें गिवन है थेल्स थ्योरम से, ये आता है हमें, एंड क्योंकि डी ई पैरेलल बी सी भी दे रखा है, तो ये थेल्स थ्योरम से ये हो जाएगा। तो हम लोग प्रूफ में क्या लिखेंगे, हमें पहले चाहिए क्या, ए डी अपॉन ए बी, ए बी चाहिए, ए बी कहाँ से आएगा, ए डी प्लस डी ई करने से हमारा ए बी आ जाएगा, ए डी प्लस डी ई करने से, एंड ए सी कहाँ से आएगा, ए ई प्लस ई सी करने से हमारा ए सी आ जाएगा। तो हमें इस क्वेश्चन में कहीं भी डी बी एंड कहीं भी ई सी नहीं दिख रहा, ए डी और ए ई दिख रहा, तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, हमें इन दोनों को ऐड करने से ए बी एंड ए सी मिल जाएगा। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग उलट देंगे, कहने का मतलब डी बी अपॉन ए डी लिख देंगे, इक्वल हो जाएगा ई सी अपॉन ए ई के, एंड इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे दो, ऐड कर देंगे हम लोग क्या, दोनों तरफ प्लस वन ऐड कर देंगे, ए ई ई सी अपॉन ए ई प्लस वन, दोनों तरफ हमने क्या किया, प्लस वन को ऐड कर दिया, एंड हम अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डी बी प्लस ए डी, क्योंकि ए डी एलसीएम ले लिए हैं यहाँ से, एंड ए ई एलसीएम ले लेंगे, तो ई सी प्लस ए ई हो जाएगा यहाँ पे, एंड डी बी प्लस ए डी, अब ई सी प्लस ए ई, डी बी प्लस ए डी, डी बी प्लस ए डी एंड ए ई प्लस ई सी, तो हमें क्या दे देगा, ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई हमें दे देगा। देन हम लोग यहाँ पर से अब क्या लिख सकते हैं, ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ये कहाँ से आया, हमने इसको फिर से उलट दिया, देन हमें ये ही प्रूव करने को कह रहा था। तो ये तो बहुत ही सिंपल तरह से प्रूव हो गया। तो थैंक यू गाइज, आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन लेकर आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।